बिहार के युवा बेरोजगारी से बेहाल हैं। रोजगार का साधन मिल नहीं रहा है और अगर कोई जरिया मिलता भी है तो किसी न किसी की लापरवाही के चलते युवाओं की साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। बेगूसराय में कैसे डाक विभाग की लापरवाही ने युवक की नौकरी पर डाका डाल दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के युवाओं की मुसीबत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बेरोजगारी है कि जीने नहीं देती, और शासन से लेकर प्रशासनिक स्तर तक लापरवाही का आलम रोजगार पाने का मौका भी छीन लेती है। बेगूसराय में डाक विभाग की लापरवाही ने एक युवक का साल बर्बाद कर दिया। जिस परीक्षा के लिए युवक ने दिन रात एक कर लगन के साथ पढ़ाई की, डाक विभाग की लापरवाही के चलते युवक उस परीक्षा में बैठ ही नहीं सका। मामला जिले के बरौनी थाना इलाके का है, जहां मिर्जापुर चांद के रहने वाले मिथुन कुमार डाक विभाग की लापरवाही के चलते परीक्षा नहीं दे पाए। लापरवाही भी ऐसी कि कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। दरअसल 19 मार्च को यूको बैंक की ओर से परीक्षा का आयोजन किया गया। मिथुन ने भी परीक्षा की तैयारी कर ली थी, बस इंतजार था एडमिट कार्ड आने का। लेकिन ये इंतजार इंतजार ही बनकर रह गया, क्योंकि एडमिट कार्ड परीक्षा होने तक आया ही नहीं। मिथुन की माने तो उन्हें 5 अप्रैल को एडमिट कार्ड मिला, लेकिन परीक्षा तो 19 मार्च को ही होनी थी। एक महीने बाद मुझे ये एडमिट कार्ड दिया, मुझे डिलीवर किया, तो मैंने उनसे पूछा ऐसा आपने क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके घर पे गया, जबकि सर वो किसी प्रकार का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं, और नहीं मैं किसी घर वाले को बताए हैं, और यही सर समस्या है मेरी सर जिंदगी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। यह हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रक कंसाइनमेंट में एडमिट कार्ड के पोस्ट ऑफिस पहुंचने की तारीख 2 मार्च की ही दिखाई जा रही है, यानी परीक्षा से बहुत पहले ही एडमिट कार्ड आ चुका था, लेकिन डाक विभाग के कर्मचारियों ने डिलीवरी 5 अप्रैल को की, और कर्मचारियों की इस लापरवाही का दंश आज एक युवक झेलने को मजबूर है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत तो सुनी ही है ना आपने, पीड़ित युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हुआ यूं कि पीड़ित युवक ने जब इसकी शिकायत डाक विभाग के कर्मचारियों से की, तो उल्टे उन्होंने ही FIR दर्ज करने की धमकी दे डाली। अब मिथुन के पास कार्यालय के चक्कर काटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। कहीं ना कहीं से सुपरिटेंडेंट है, वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये लापरवाही बरती जा रही है। आज मेरे साथ हुआ है सर, बहुत सारों के साथ ऐसा होता होगा। DM साहब के पास आए हैं गुहार लगाने के लिए, सर को सूचना देने के लिए कि सर ये मेरे साथ ऐसी परेशानी हुई है। हालांकि बेगूसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाह कर्मचारियों से स्पष्टीकरण की मांग की है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखे जाने की भी बात कही है। बहुत ही गंभीर मामला है, उसका डिटेल हम लोग ने प्राप्त कर लिया है, और इसमें जो डाक अधीक्षक हैं उनके खिलाफ उनसे भी हम लोग स्पष्टीकरण प्राप्त करके और इसमें मामले की तह तक जाएंगे, तथा अगर ऐसा पाया गया कि कागज पर डिस्पोजल किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारत सरकार को अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए भी भेजा जाएगा।